आइए चलें जीडी ग्लोबल स्कूल की ओर। पढ़ेगा बच्चा, बढ़ेगा बच्चा, तरक्की करेगा। आजमगढ़ जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर बाईपास आजमगढ़, सेवा करने का अवसर जरूर दें, बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखे आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ जनपद में जिस ऑटोमोबाइल वर्कशॉप का उद्घाटन बसपा के पूर्व विधायक व वरिष्ठ नेता शाह आलम गुड्डू जमाली द्वारा किया गया। उद्घाटन के दौरान शाह आलम गुड्डू जमाली ने राजेंद्र ऑटो के प्रबंधक चंदन कुमार व उनके परिवार को शुभकामनाएं दी व उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि हम ईश्वर से दुआ करेंगे कि राजेंद्र ऑटोमोबाइल की दुनिया में अपना नाम पूरे देश में रोशन करे। इस नए वर्कशॉप में इलेक्ट्रॉनिक मशीनों द्वारा वाहनों की मरम्मत की जाएगी। वहीं इस ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में सभी कंपनियों के सामान ओरिजिनल सामानों के साथ हर प्रकार की रिपेयरिंग का काम किया जाएगा। इंजन से लेकर बॉडी तक का हर वर्क एक ही छत के नीचे किया जाएगा। राजेंद्र ऑटो के प्रबंधक चंद्र कुमार ने बताया कि हमारे यहाँ ऑटोमेटिक लिफ्ट, स्पार्क प्लग, क्लीनर, एयर सिस्टम, स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक टूल्स और सभी कंपनियों के पार्ट्स उपलब्ध हैं। साथ ही हर कंपनियों की गाड़ियों के स्पेशलिस्ट मैकेनिक उपलब्ध हैं, जो ग्राहकों को बेहतर सुविधा देंगे। ग्राहकों को बाइक की किसी भी कार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। प्रबंधक चंदन कुमार ने बताया कि सर्विसिंग के साथ साथ हमारे यहाँ पुरानी गाड़ियों को मॉडिफाइड भी किया जाएगा। हम आजमगढ़ के सम्मानित जनता से अपील करते हैं कि एक बार हमारे वर्कशॉप पर जरूर आएं और 50% की भारी छूट का लाभ उठाएं। आज आपके वर्कशॉप का उद्घाटन हुआ है, अपना परिचय देते हुए क्या कहना चाहेंगे? हमारा चंदन चंदन वर्मा और नई गाड़ियों में टू व्हीलर की बड़ी प्रॉब्लम्स है, जो कि आप एजेंसी पे और बाहर कोई सुलझा नहीं पाता है। तो उसके लिए हमने सोचा है कि हम कुछ उसमें और भी बेहतर करने के लिए और भी बेहतर कर सके उसके लिए। आजमगढ़ में तो तमाम ऐसे वर्कशॉप है, लेकिन इसमें आप अलग से क्या प्रोवाइड करा रहे हैं अपने ग्राहकों को? आजमगढ़ में जो वर्कशॉप है वो अपनी जगह पे है। इसका मतलब एनी कोई भी प्रॉब्लम हो किसी का भी, जो कि सब सॉल्व नहीं कर पाता है, तो उसके लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की, और जो कहीं नहीं हो पाएगा वो यहाँ पे होगा। आपने बचपन के टाइम में बहुत सारे इन्वेंशन किए हैं, छोटी कार आपने बना डाली थी और उसके लिए आपको पुरस्कृत भी किया गया। आगे क्या प्लानिंग है आपकी? आपने मोटर अपना वर्कशॉप खोला है, कुछ इस तरह का इन्वेंशन बना रहे हैं आगे? जी जी, आगे आगे हमने बहुत सब तैयारी कर रखी है और उसके लिए अभी थोड़ा सा टाइम है, और भी मैंने बहुत चीज सोच रखी है उसके लिए, और वर्कशॉप के लिए वर्कशॉप की वजह से मैं और भी उसको और भी डेवलप कर पाऊंगा और बहुत मतलब और भी बेहतर अपना काम मतलब सबको दिखा पाऊंगा। और नई नई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सबको उसके बारे में मालूम नहीं है, और वो मैं उस पर काम कर रहा हूँ। अभी कंप्लीट होने के बाद मैं मतलब सब उसको देख सकता है, वो बहुत ही हाईटेक चीज है। आज किसके कमलों से शुभारंभ हुआ है? जी, हमारे मोहल्ले के लिए निवासी हैं और गुड्डू जमाली साहब, तो उन्होंने वो चीज की। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।